क्या नाम है तुम्हारा? राजा। राजा, और तुम्हारा? कुछ नहीं, राकेश। राकेश, और तुम्हारा? श्याम। श्याम नाम है तुम्हारा? श्याम मेरा नाम है, इनका नाम। तुम्हारा भी नाम श्याम है। हारो, हारो। वो गा देगा, उसके हिसाब से अपन तत्काल उसको उसकी धुन पकड़ लेते हैं। परदेसी जाना नहीं, हाँ वो सिंपल से जो 3 बटन आते हैं पियानो के, उस पे ऊपर ही बज जाता था। ऑडिशन होता है सर, ऑडिशन के तहत उनको चुना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में घूमते हुए हमारी टीम की मुलाकात इस बार कई ऐसे आदिवासी बच्चों और नौजवानों से हुई जिनकी आंखों में कई सपने पल रहे हैं। उनकी आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं भी हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया उन्हें जाने, वो ये चाहते हैं कि भारत के हर कोने में उनका नाम गूंजे। उसके लिए वो खूब मेहनत भी कर रहे हैं और आत्मविश्वास से भी भरे हुए हैं। आज इन्हीं नौजवानों की कहानी आपको सुनाते हैं। बहुत सारी एकदम रहती है अपने पास, मतलब एक नहीं हर तरह की रहती, तो उसको सुनाना पड़ता है कि कौन सी पे जमेगा तेरा गाना। अगर वो गाना उस रिदम पे जम गया तो फिर उसको गवा के चेक करते कि सही गा रहा कि नहीं। अगर वो गा दिया तो फिर ये तो फिर आता है अपने को, वो अगर वो गा देगा उसके हिसाब से अपन तत्काल उसको उसकी धुन पकड़ लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर भी मिलता नहीं था हमारे को, मतलब जैसे किसी स्टूडियो वाले को पूछते तो वो बोलते 50,000-20,000 ऐसे बोलते थे, पर मैंने ये यूट्यूब के थ्रू जानकारी लेकर डाउनलोड करके चला गया, किसी से मोल नहीं लिए। मोल नहीं लिया नहीं, मतलब जैसे जो पहले स्टूडियो वाले हैं ना उनसे हाँ। पूछते अपन जानकारी लेते तो ये 20,000-25,000 में मिलेगा हाँ। हम नहीं देंगे वो, डिस्करेज करते थे हाँ। हाँ। नहीं देते वो, किसी स्टूडियो वाले ने नहीं देते, तो हमने मतलब यूट्यूब के उससे वो पूरा सीखा था, उसमें तो डाउनलोड कैसा आता उसकी जानकारी भी उसी से सीखे, तो वो लिंक दे रखते वहाँ से डाउनलोड हो जाता। बैंड में क्या होता था पहले, सिर्फ इधर ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 2 भोंगे होते थे और उसमें सिर्फ म्यूजिक बजाया जाता था, पियानो आता था छोटा सा उसको बजाते थे। फिर धीरे 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 इंक्रीमेंट हुआ, जैसे 2 भोंगे हुए तो हमने 4 किया, फिर जो बड़े बड़े जो सिंगर थे उनको देख के हमने सोचा कि हम भी कुछ गा सकते हैं, तो फिर हमने भी थोड़ा सा ट्राई किया और उसको गा के देखा तो हमको मतलब आवाज़ हमारी भी ठीक ठाक आने लगी, तो पब्लिक की डिमांड बढ़ी कि आप एक आधा गाना रिकॉर्ड करके देखो, तो फिर हमने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया तो फिर पब्लिक का रिस्पॉन्स अच्छा मिला।
थोड़ा सा जो ढोल वगैरह होते थे वही मैंने स्टार्ट किए बजाना, कभी छुट्टियों में जाता था तो फिर वो बजाए, फिर धीरे 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 मुझे ऐसा लगा कि मैं और अच्छा कुछ बजा सकता हूँ, तो फिर मैंने पियानो सीखा छोटा सा था वो, फिर जो पहले जो बजाते थे हमारे ग्रुप के लोग उनसे मैं थोड़ा अच्छा बजाने लगा, तो फिर मैं ही बजाया, फिर धीरे धीरे फिर बस। प्रेम गीत, प्रेम में लाइन तो बहुत सारी रहती है, मतलब जैसे बेवफा वाले पॉइंट लेते तो वो गाने और ज़्यादा चलते हैं, जैसे प्रेम बेवफा वाले ना पॉइंट अगर लेते ना तो लोगों ज़्यादा उस लाइन में ज़्यादा है, लोगों के दिल ज़्यादा टूटते हैं, तो वो बेवफा वाले पॉइंट अगर वो गाने अपने स्टूडियो पर वो गाने ज़्यादा बनते हैं। परदेसी जाना नहीं, वो सिंपल से जो 3 बटन आते हैं पियानो के उस पे ऊपर ही बज जाता था, फिर मैंने धीरे धीरे उसको ट्राई किया, ज़्यादा पूरा नहीं बजता था हालांकि थोड़ा सा ही बजता था, तो फिर मैं ट्राई किया, फिर मैंने देखा और दूसरा सॉन्ग बजा के देखता हूँ, फिर मतलब ऐसे धीरे 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 बजाना स्टार्ट करा, तो फिर म्यूज़िक वीडियो शूट करने के लिए सबसे पहले तो सर ये डांसर होते हैं, आर्टिस्ट लगते हैं, उनका प्रैक्टिस रहता है, प्रिपरेशन रहती है कम से कम 2 से 3 मंथ की, और साथ में सिंगर रहेगा, म्यूज़िक कंपोज करने वाले डायरेक्टर रहेंगे, और म्यूज़िक मतलब जो सॉन्ग्स लिखने वाले राइटर रहेंगे, उसके बाद में सेट डिज़ाइन के लिए भी लड़के होते हैं, सेट होता है, फिर लोकेशन हंटिंग के लिए भी लड़के होते हैं। अभी सब लोग धीरे धीरे ही डेवलप हो रहे हैं, बन रहा है, अभी सबको समझ में आ रहा है, पहले लोगों को ये भी नहीं पता था कि मतलब सेट डिज़ाइन कैसे क्या करना होता है, पूरा वापस रिक्रिएट कैसा क्या करना है, अभी सब उस फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत सारा हैवी टीम लगता है।
हमारा ये मन होता है कि हम मतलब हाई लेवल का काम करें ताकि हमको सभी प्रकार की पब्लिक जाने, जैसे गुजरात में जान जाए हमको लोग, जैसे हिंदी सॉन्ग पूरे इंडिया में चलते हैं वैसे हमारे भी पूरे इंडिया में चले, यही हमारी तमन्ना रहती है। ऑडिशन होता है सर, ऑडिशन के तहत उनको चुना जाता है। वो क्लिप 30-30 सेकंड की क्लिपिंग, अभी तो जैसे इतना डेवलप नहीं हुआ है कि बुलाए कोई बड़ा अरेंज करे उसके बाद में ऑडिशन ले, ऐसा नहीं होता है। अभी सब सोशल मीडिया से, अगर जिसको इंटरेस्ट होता है काम करने को तो वो 30 सेकंड से 1 मिनट का वीडियो क्लिप शूट करते हैं उनका खुद का और फिर सेंड करते हैं, उनके हिसाब से फिर उनको सिलेक्ट किया जाता है। सभी सर आदिवासी लोग हैं, जो अब कुछ लोग जो कैमरा इक्विपमेंट चलाते हैं वो लोग भी बाहर जाकर अभी इस फील्ड में सीख रहे हैं, तो वो लोग आते हैं उनका टैलेंट यहाँ पर दिखाते हैं कैमरे से किस टाइप से शूट करना है वो चीज़ें, और जो सेट वेट डिज़ाइन करने का रहता है वो तो लोकल लड़के ही कर लेते हैं। वो चीज़ें मतलब उनको ज़्यादा अच्छे से पता रहता है कि इन मतलब कि जो सेट लग रहा है उस सेट में कौन कौन सी चीज़ लगेंगे, कौन कौन सी प्रॉप लगेगी, क्या डिज़ाइन करना है, कैसी क्या पेंटिंग करना है, कैसे क्या कलर्स करना है, वो उनको ही ज़्यादा नॉलेज रहता है, दूसरों को समझा नहीं पाएंगे कि ऐसे करना है वैसे क्रिएट करना है। अभी हम पैर जमा रहे हैं एक तरह से कहा जा सकता है कि बस अभी खड़ा होना स्टार्ट किए हैं, अभी तो जाएगा सफ़र लंबा जाएगा, होगा कोई दिक्कत नहीं।